माफियाओं के खिलाफ सख्ती बरती जाती है तो गलत कैसे? खुशी दुबे माफिया, लेकिन धर्म को देखकर। खुशी दुबे का जिक्र मैंने नहीं किया, मैंने व्यक्तिगत नाम किसी का नहीं लिया है, मैंने नाम सर व्यक्तिगत किसी का नहीं लिया है। आप बताइएगा, आप बताइएगा सर, ये कोर्ट का काम होता है? उसको लेकर सवाल में बीजेपी से पूछूंगा ना सर, उसको लेकर सवाल में बीजेपी से पूछूंगा। कानून व्यवस्था की दुहाई आप लोग जो है मंचों से खड़े होकर देते हैं। विपक्ष कह रहा है कि सुरक्षित ही नहीं है, चूड़ी वाले को गोलियां मार दी जाती हैं। 22 साल का बच्चा मार दिया गया, लखीमपुर के अंदर कत्ल कर दिया गया, व्यापारी मार दिया गोरखपुर के अंदर, अलीगढ़ में व्यापारी मार दिया, मेरठ में दो व्यापारी मार दिए, सड़कों पे लड़कियां छेड़ी जा रही है, कहां है लोग? जवाब जवाब। उत्तर प्रदेश का लायन लॉर्डर के ऊपर ही दोबारा हम लोग जनता के बीच जाएंगे, लेकिन समाज है, समाज में घटनाएं हो जाती है। अगर वो कह रहे कि बीच चौराहे पर जो है किसी को गोलियां मार दी जाती है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, सरकार आपकी है। पुलिस कत्ल कर देती है व्यापारी का, 22 साल के बच्चे का लखीमपुर में। जवाब ले रही हूँ, लखीमपुर की घटना ये लोग बार बार कर रहे हैं जिक्र, लखीमपुर में न्याय हुआ है, मंत्री जी के मुजफ्फरनगर में ऐसी कौन सी घटना है? मुजफ्फरनगर में ऐसी कौन सी घटना है? मुजफ्फरनगर इनके कार्यकर्ता ने आम जनता के सामने पिस्टल निकाल लिया, चुनाव आचार संहिता, चुनाव पिस्टल निकाल लिया आम आदमी को, साथ में गांधी कॉलोनी में इनका कार्यकर्ता किसे जवाब दे रहे हैं? आंकड़ों के साथ, उदाहरण के साथ बता रहे हैं। सचिन सहगल जी जवाब दीजिए। देखो मैंने आपसे फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, इतना बड़ा समाज है, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन पुलिस सचिन जी घटनाएं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हूँ ना, आप एक जिम्मेदार चैनल पर खड़े होकर नहीं कह सकते कि घटनाएं हो जाती हैं। आपको माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा प्रदेश के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा प्रदेश के अंदर कि अपराधी एक बार भी कुछ करने से पहले हजार बार सोचे। उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल ही ऐसा है। फिर ये उदाहरण, ऐसा माहौल होता, अगर ऐसा माहौल होता तो हाथरस जैसी घटना नहीं होती, अगर ऐसा माहौल होता तो हाथरस जैसी घटना नहीं होती, किसानों पर गाड़ी नहीं चढ़ाई जाती। सचिन जी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर जो नेता बैठे हैं वो तो दुहाई देते हैं कानून व्यवस्था के, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है इन विपक्षियों का। मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात को आप सुन ही नहीं रहे। इनके पास नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को बहुत छोटा प्रदेश तो है नहीं, 22-23 करोड़ जनता का प्रदेश है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हो जाती है घटनाएं सर? ये कौन देखो एक बात सुनो, जहाँ जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछली सरकारों से नंबर वन चल रही है। आज अपराधों के आंकड़े, अपराधों के आंकड़े आप पिछली सरकारों के मुकाबले के अंदर सरे रहा, दो व्यापारियों का कत्ल कर दिया गया। एनसीआरबी का जिक्र सर, सर एनसीआरबी का जिक्र मत करिए, सराबे बाजार में नूर मोहम्मद एक करोड़ रुपए की नोट व्यापारी से हुई, बताइए के अंदर व्यापारी का कत्ल कर दिया गया, मेरठ के अंदर दो व्यापारी सरे बाजार कत्ल कर दिए गए। वो योगी हैं, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था योगी जी ने बनाई है, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था योगी जी ने बनाई है, और कोई ये व्यवस्था संभाल ही नहीं सकता। बिगाड़ दी कानून व्यवस्था उन्होंने, जो व्यवस्था समाजवादियों ने दी थी वो भी खराब कर दी उन्होंने। UP 100 को UP 112 करने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी, 112 को और ज्यादा डेवलप करने से कानून व्यवस्था सुधरेगी। भाई साहब जो थाने में नाम बदलने से, वित्त काटने से व्यवस्था नहीं सुधरती, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से व्यवस्था सुधरती है। ये तो आप देख ही सकते हैं ना, मुजफ्फरनगर तक। और सुनिए, मुजफ्फरनगर की सारी सड़कों का, सारी सड़कें दो दो तीन तीन बार बनी हैं। अभी जानसर रोड, रुड़की रोड का चौड़ीकरण का काम चल रहा है, ऐसा नहीं है विकास का काम लगातार जो सरकार का है वो चल रहा है। 5 साल में 5 काम गिना दीजिए जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। 1 साल में 1 काम तो हुआ होगा ना, 5 साल में 5 काम। मैडम 5 काम देखो, सड़कें कहाँ की सुनिए, ये आपका रुड़की रोड, रुड़की रोड का चौड़ीकरण सुनिएगा सर आप, 2 नंबर जानसर रोड चौड़ीकरण, समझ रहे, ऐसे करके बहुत सारे काम है। चूंकि देखिए मैडम, वो दो काम हुए आंकड़ों पर बात कीजिए, 2 काम हुए, 3 और बचे सर, 2 काम हुए, 3 और बताइए मैडम। हर गलियां शहर की सब गलियां सर, सड़कें गलियों में आती हैं, पूरे शहर की गलियां हैं, मैं एक एक करके थोड़ी गिनवाऊंगा आपको। 3 काम और बताइए सर, रोजगार है, शिक्षा है, मेडिकल सुविधाएं हैं मैडम। यहाँ आईटीआई का जो कॉलेज है, आईटीआई का जो कॉलेज है उसमें बहुत अच्छे से काम चल रहा है। अखिलेश यादव जी की सरकार में बना, एक बार 3 काम बचे हैं, 3 काम बचे हैं, बताइए।
समाजवादियों का बहुत सारे काम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पूरे नगर में किए हैं। आपको याद है मैडम? देखो वो काम उनका था, विधायक ने किया। ठीक है, जवाब दीजिए। ठीक है, दिल्ली का मोहम्मद स्कूल इन्होंने जानसर रोड छोटीकरण की बात की। अपना कैमरा ले लीजिए, हम भी सब चले देख लो। शहर के जो मुख्य बाजार है, भगत सिंह रोड, सराफा बाजार, आलू मंडी, दाल मंडी, लोहिया बाजार, कालापार, किदवई नगर से लेके ईदगाह चौकी तक, आप चलो मुख्य सड़कें आज भी समाजवादियों के पत्थर लग रहे। समाजवादी लोगों की सरकार में बनवाई गई थी। आप पता कर लो, यहाँ का पुल 10 कदम पे पुल है मैडम, ये रहा महावीर चौक पे समाजवादियों ने बनवाया। गांधी कॉलोनी फाटक के ऊपर का पुल समाजवादियों ने पास किया था, इन्होंने कैंसिल करा दिया। इसी पर तो सर योगी जी कहते हैं कि आप लोग कहेंगे कि आसमान से बिजली भी हम लेकर आए हैं। इसी पर तो योगी जी कहते हैं ना कि आप लोग कहेंगे शिलान्यास और उद्घाटन हमने किया, आसमान से बिजली भी हम लेकर आए। कुछ हो रहा है कहने के लिए, उनके पास कुछ हो रहा है। वो 102 108 एम्बुलेंस का जवाब दे पा रहे, फिर सर 100 का जवाब दे पा रहे। सत्रह में क्लीन स्वीप कैसे हो गया? मैं बताता हूँ। 102 108 एम्बुलेंस का क्या जवाब देंगे? यूपी 100 का क्या जवाब देंगे? समाजवादी पेंशन का क्या जवाब देंगे? अब हमने कह दिया 22 लाख नौकरियां देंगे, क्या जवाब है उनके पास? हमने कह दिया कि पेंशन भागने, क्या जवाब है? एक लास्ट बात, यहाँ पर कोरोना से मुजफ्फरनगर में इतनी स्थिति खराब हुई, ना दवा मिला, ना डॉक्टर, ना ऑक्सीजन, लोग मर गए। लेकिन एक बात है बस, वो पूरी हो जाएगी मेरी बात। इनके विधायक जी पर्चा भर के आते हैं और पर्चा भरते मीडिया के सामने बेशर्मी से कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन दे के जाने बचा ली। मुझे बताइए, अगर ऑक्सीजन दे के जाने बचा ली तो हमारे जनपद के सब बहुत वरिष्ठ पत्रकार राशिद भाई की मौत कैसे हुई? और हजारों मौतें ऑक्सीजन के अभाव में हुई। ये लोग संवेदनाएं तो क्या व्यक्त करेंगे और बेशर्मी से गलत बयान दे। मैं अनिल जी, मुझे गोरजन जी, क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे जनता के बीच मुजफ्फरनगर की? चूंकि जनता ने देखा है, पहला व्यवस्था सुधार लीजिए अपनी डिबेट की तो मैं आगे बढ़ू। हाँ, देखिए आपने देखा है 2012 में जो मैनुफेस्टो दिया था वो काम हमने किए थे, उससे अलग भी मेट्रो वगैरह तमाम चीजें हमने की थी, मैं बता चुका हूँ। इस बार भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पेंशन बहाल करेंगे कर्मचारियों की, उसके अलावा किसानों के लिए तमाम योजनाएं उन्होंने दी हैं, समाजवादी पेंशन का वादा उन्होंने किया है, तमाम तरह के वादे किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके किसान, नौजवान, व्यापारी, महिला, तमाम वर्ग के लिए और समाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके विकास के रास्ते यानी तमाम वर्ग के लिए। अनिल शर्मा जी, ठीक है, ये मुजफ्फरनगर की धरती से हमने आपको ये बताया कि आखिर किस तरीके से नेताओं के जो है वादे क्या है। हालांकि 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर मुजफ्फरनगर के दिल में कौन बसता है। लगातार रिपब्लिक भारत और कुएं आपके बस का सिलसिला जारी है। एक बार फिर मिलेंगे किसी नए शहर। अनुभव कई तमाम मुद्दों को लेकर यहां के राजनेताओं ने बात की, ये कहा कि वो क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता की शिकायतों का निपटारा कैसे करेंगे। देखना ये होगा बड़ा दिलचस्प कि मुजफ्फरनगर की जनता किसको अपना मत देती है। 10 मार्च का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर।